हेलो फ्रेंड्स, ट्यूलिप्स गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है, इसे विंका रोजिया कहते हैं। यहाँ इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कैथेरेंथस रोजियस। अपने इंडिया में इसको, खास करके पश्चिमी भारत में इसको सदाबहार या सदाफूली और बंगाली में इसको नयनतारा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी है विंका की। देशी सदाबहार को विशेष केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स, लेकिन जो ये हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं इनको विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर अपने को इसमें खूब सारी फ्लावरिंग करनी हो तो काफ़ी सारी अपने को फूल अगर डेली इसमें चाहिए तो इसके लिए अपने को हल्की सी इसकी विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए, जैसे कोई बुके रखा हुआ हो उस तरीके से मेरा प्लांट बिल्कुल हेल्दी सा तैयार है आपके सामने और बिल्कुल फूलों से लदा हुआ। अगर आप भी अपने प्लांट में ऐसी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ आपसे। ये फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स है ये थोड़ी हल्की सी आज गंदी हो रखी है। अभी तो हल्की सी बारिश हुई थी, छींटे दो चार पड़े, अच्छी बारिश नहीं हुई, इस वजह से गंदी गंदी सी लीव्स लग रही है। अभी तेज़ बारिश होने वाली है, मौसम बन रहा है, तो मैंने इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं दिया है, एक दो दिन हो गए पानी दिए। सबसे पहले अपन केयर की बात करते हैं कि इसकी केयर कैसे की जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी मिट्टी है देखिए आप, इसको आप हर 15-20 दिन से यूँ साइडों से यूँ खुरच दिए, हल्की हल्की खुरचनी है अपने को ये 10-15 दिन से, ताकि इसमें एरिएशन बना रहे। काफ़ी सूखा लग रहा है, दो दिन हो गए मेरे को इसमें पानी दिए, आज पानी देने का टर्न है इसका। कभी धूप आ रही, कभी बारिश का मौसम हो रहा है, इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है इसमें मुझे पानी दे देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सोइल अंदर से गीली है, ऊपर से एक दो इंच सूख चुकी है, तो इसमें पानी देने का टर्न है। तो फ्रेंड्स, अपने को फर्स्ट काम ये करना है कि 10-15 रोज़ में इसकी यहाँ से ये जो कॉर्नर्स हैं इस पर से मिट्टी को हल्का हल्का हटा के ऊपर नीचे करना है, ताकि एरिएशन बना रहे, इसमें हवा अंदर जा सके, ऑक्सीजन मिल सके। दूसरी जो इसकी केयरिंग अपने को करनी है वो टिप्स ये है फ्रेंड्स कि वाटरिंग का अपने को स्पेशल इसका ध्यान रखना है। वैसे ये हार्डी प्लांट है अपना सदाबहार, देसी जो होता है वो बहुत हार्डी होता है, उसको 3-4 दिन पानी नहीं दे तो भी ठीक रहता है, वो मरता नहीं है प्लांट। लेकिन इसमें अपने को एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली आप वाटरिंग करो, लेकिन वाटरिंग करते टाइम अपने को ये ध्यान रखना कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करेंगे, अगर पॉट में पानी इकट्ठा हो रहा है, खड़ा रह रहा है पानी, तो पौधे के जो है गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देसी जो प्लांट होता है उसकी रूट्स थोड़ी मजबूत होती है, वो इतनी जल्दी नहीं गलती, लेकिन जो अपना ये सदाबहार है विंका जो है अपना, इसकी रूट्स बहुत जल्दी गलती है हाइब्रिड की, इसलिए अपने को वाटरिंग का स्पेशल ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी दे देती हूँ, काफ़ी सूखा लग रहा है ये। फ्रेंड्स, इसका ड्रेनेज होल जो है वो एकदम आपको परफेक्ट रखना है, ध्यान रखना है। वाटरिंग करते टाइम भी ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं चाहिए, कि स्पेशल मेन वाटरिंग वाली समस्या ही है इसकी। और फुल सनलाइट में इसको रखो, देखिए अभी मेरे इस पे विंका पे काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, फुल सनलाइट में इसको रखना है। वाटरिंग की अपन ने बात कर ली, ड्रेनेज सिस्टम इसका परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप इसको शेडो में रखोगे, छायादार जगह पर रखोगे, तो ये ग्रो तो करेगा लेकिन फ्रेंड्स इतनी सारी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अपने को इतने सारे फ्लावर्स पाने के लिए इसको फुल सनलाइट, यानी जहाँ जहाँ पे 4-5 घंटे की धूप आती हो वहाँ पे आप इसको आराम से रख सकते हो, ताकि अपने को काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिल सके। और इसकी बात करी जाए, इसकी मतलब इसको किससे कैसे ग्रो करें, तो सीड से हम ग्रो कर सकते हैं इसको, और ये ब्रांचेस काट के 4-5 इंच की ब्रांच काट करके नीचे से लीव्स हटा करके और सीधी इनको पानी में पहले हल्की सी इसकी रूट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट, मैंने तो आज तक यही बेस्ट रिजल्ट मेरे पास ये रहा है कि मिट्टी में इसको 4-5 इंच की ये काट करके नीचे की लीव्स हटा करके मिट्टी में लगा दें, और लगाने के 10-15 दिन तक आपको कोई फर्टिलाइज़र स्पेशली नहीं देना है। लगाते टाइम बस ये ध्यान रखना है कि 70% अपनी सॉइल हो और 30% उसमें कंपोस्ट हो। कंपोस्ट से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने भी इसमें फ्रेंड्स से ये पॉटिंग की थी, तब नर्सरी से लेके आई थी, तब छोटा सा था बिल्कुल, 2 महीने पहले लेके आई थी, और अब देखिए 2 महीने में इसने अच्छी ग्रोथ की है। बस इसको लगाते टाइम मैंने ध्यान रखा था, इसमें हल्की सी कंपोस्ट दी थी, उससे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। और वाटरिंग का स्पेशल मैं ध्यान रखती हूँ कि वाटरिंग अपने को ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाओ, चाहे आप डेली लगाओ इसमें पानी, लेकिन ओवर वाटरिंग से पौधे की जो जड़ है वो ख़राब हो सकती है, गल सकती है, पौधा मर सकता है।
इसलिए आप अपने प्लांट को स्वस्थ और हरा भरा रखना चाहते हैं, फूलों से लदा हुआ रखना चाहते हैं, तो अपने प्लांट की विशेष केयर कीजिए, अच्छी धूप में रखिए, अच्छा पानी दीजिए उसको और सोइल का स्पेशल ध्यान रखिए।